अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन 7 है और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, जिसमें सेक्शन फार्मूला यूज हुआ है वो वाला एक्सरसाइज है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। इसमें क्या कह रहा है कि हमें एक पॉइंट ए है, उसका हमें कोऑर्डिनेट पता करना है, जिसमें ए बी क्या है, एक डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर है और उस सर्कल का जो सेंटर है उसका पॉइंट है 2, -3। ये पॉइंट सेंटर का दिया गया है एंड जो बी है, जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट 1 और 4 दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल का जिक्र हो रहा है तो पहले सर्कल बना लेते हैं। सर्कल हमने बना लिया, सर्कल में क्या कह रहा है कि ए बी क्या है, डायमीटर है। तो देखिए सेंटर यहां पर ये है ओ, इस सेंटर ओ से डायमीटर गया हमारा, ये देखिए ये सेंटर ओ है। ठीक है, और डायमीटर क्या है, ए बी है, तो ये डायमीटर हो गया ए और बी। ठीक है, ये डायमीटर हो गया हमारा ए बी। अब क्या बोल रहा है कि ओ जो सेंटर है हमारा, मैंने उसको ओ से डिनोट किया है, इस सेंटर का पॉइंट क्या बता रहा है, 2, -3। ये कोऑर्डिनेट है, सेंटर पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट है और बी का क्या कह रहा है, 1 और 4। हमें क्या पता करना है, इस ए का हमें कोऑर्डिनेट पता करना है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट ए का हमें कोऑर्डिनेट पता करना, कहने का मतलब इस तरह से हमें आंसर लेके आना है ए का भी। ए का भी कुछ कोई पॉइंट्स होगा इस तरीके से, तो हमें वही पता करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका सेक्शन फार्मूला यूज होगा। कैसे, मैं ये केवल इस लाइन का डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, ये ए है मेरा और ये बी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो ये ए बी क्या है, रेडियस है, और वो क्या है, सेंटर पर है। तो कहने का मतलब कि सेंटर मतलब कि इस पॉइंट ओ ने डायमीटर को इक्वली डिवाइड किया हुआ है, और ओ मिड पॉइंट है क्योंकि ओ बी क्या है, रेडियस है, और ओ ए क्या है, रेडियस है। यहाँ पर रेडियस हमारा क्या होगा, सेंटर से लेकर कोई भी पॉइंट अगर सर्कल पर रहेगा तो हमारा रेडियस होगा, ओ बी रेडियस है और ओ ए भी रेडियस है, ये बराबर है। तो ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट है हमारा, तो मिड पॉइंट है तो इस ओ ने इस ए बी लाइन को इक्वली डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो जैसे मैं ये ए बी ले लेती हूँ और यहाँ पर पॉइंट ओ। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3 और बी का दिया 1 और 4, और हमें ए का ही पता करना है। ठीक है, क्या है वही निकालना है। तो इसको अगर सेक्शन फार्मूला से आपको समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये ओ एक पॉइंट है और जिसने ए बी लाइन को, ये पॉइंट ए बी को इक्वली डिवाइड किया है। देखिए यहाँ पर ओ पॉइंट ओ जो है इक्वली डिवाइड हो रहा है ना भाई, मिड पॉइंट है तो ये रेडियस है तो बराबर बराबर होगा। तो इसको मैं मान लेती हूँ 1:1। ठीक है, इक्वली डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट है ओ हमारा सेंटर, यहाँ से यहाँ, और ओ से ए और ओ से बी लेंथ तो इक्वली है ना क्योंकि रेडियस है। ठीक है, तो ये सेक्शन फार्मूला में ये हमारा रेशियो में पता चल गया। ठीक है, और बी का क्या है, पॉइंट ये दिया हुआ है और इसमें ओ का ये पॉइंट दिया, ए का निकालना है। तो सेक्शन फार्मूले में फार्मूला कैसे लगता है, जैसे मैं आपको ये बता देती हूँ सेक्शन फार्मूले में क्या होता है। यहाँ मान लीजिए पॉइंट आपका एक्स वन और वाई वन है और यहाँ पर एक्स टू और वाई टू रहता है। ठीक है, और ये पॉइंट पी रहता है जो कि इसको एम और एन रेशियो में डिवाइड कर देता है इस लाइन को। ठीक है, इस लाइन को, ए बी लाइन को एम इज टू एन में रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है एक्स वाई, और उसको कैसे निकालते हैं हम, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट, तो उसको कैसे निकालते हैं सेक्शन फार्मूला से, एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और वाई कैसे निकालते हैं, वाई इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, तो यही फॉर्मूला बिल्कुल यहाँ यूज होगा। यहाँ पर देखिए हम x और y की वैल्यू, यहाँ पर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल लें, और इस वाले क्वेश्चन में ये पॉइंट P की जगह क्या हमारा O है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ ये वैल्यू है 2 और -3 हमारा दिया हुआ है, मतलब ये x y की वैल्यू होगी, इनकी जगह पर ये वैल्यूज होंगे 2 और -3। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम एक्स टू वाई टू, यहाँ पर देखिए ये 1 और 4 है हमारा। ठीक है, ये दिया हुआ है एक्स टू और वाई टू, लेकिन यहाँ पर जो एक्स वन वाई वन है ना, यहाँ पर वो वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको लेट मान लेते हैं, इस पॉइंट का हमें इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी एक्स वन वाई वन, क्या मान लेते हैं हम इसको,
इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं एक्स वन और वाई वन, ठीक है, ये मान लिया हमने क्योंकि हमें यही वैल्यू पता करनी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला में हम पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस तरीके से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वो वैल्यू दी हुई है, तो फिर भी मैं इस पॉइंट के नीचे यहाँ पर एक्स वाई लिख देती हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और ये बी है, तो यहाँ पर देखिए एक्स टू वाई टू माना गया, तो जस्ट इस बी पॉइंट के नीचे आप एक्स टू और वाई टू लिख दिए, ये सब लिख देंगे तो इसमें आप वैल्यू पुट करने में आपको आसानी होगी। और यहाँ देखिए एम और एन दिया हुआ है, तो यहाँ पर एम क्या है हमारा, एम वन है, ये वन है, और एन क्या है हमारा, वो भी वन है, तो एम एन की वैल्यू भी दी हुई है। यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, एक्स टू वाई टू की वैल्यू ये दी हुई है, और एक्स वन वाई वन हमें निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला बिल्कुल यही यूज होगा, क्या फॉर्मूला बोला है, एक्स इक्वल टू, तो एक्स हमारा क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू हमारी क्या दी हुई, x के ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ, 2, तो ये x की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर हम x की जगह क्या लिखेंगे, 2, ठीक है, इक्वल टू m बोलना है, m क्या है यहाँ पर, ये देखिए 1 है क्योंकि इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो 1:1 रेशियो क्या होगा हमारा, m इज टू 1 जो रेशियो होगा वो हमारा होगा 1:1, तो ये 1 यहाँ m की जगह क्या लिखेंगे आप, 1 इंटू इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन एक्स टू, देखिए यहाँ एक्स टू क्या है, ये एक्स टू देखिए यहाँ मैंने नीचे लिख दिया है ना समझाने के लिए, ताकि इजिली आप वैल्यू ले सके, देखिए एक्स टू के ऊपर वन है, तो एक्स टू की वैल्यू यहाँ पर वन हुई, तो यहाँ पर आप वन लिख देंगे, प्लस एन, एन क्या है हमारा, एन भी हमारा वन है, इक्वली डिवाइड है, तो एन हमारा वन है, इंटू एक्स वन, देखिए यहाँ एक्स वन की वैल्यू तो हमें पता करनी है, यहाँ देखिए यही हमें निकालना है, तो यहाँ पर एक्स वन हमारा रहेगा ऐसे अपॉन m प्लस एन, एम क्या है हमारा 1 है और n भी 1 है, यहाँ मैंने बता दिया m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो देखिए ये 2 हो जाएगा, इसकल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू एक्स वन अपॉन, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, तो अब क्रॉस मल्टीप्ली इसको अपॉन 1 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो 2 को 2 से इंटू किया तो क्या हो गया 4, फिर ये इसकल टू होते हैं, इसकल टू लगा दीजिए, फिर ये पूरे 1 प्लस एक्स वन को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है, हमें चाहिए x1 की वैल्यू, तो ये प्लस 1 जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इस कल्टू की इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और ये x1 यहाँ रहेगा तो x1 की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 3 आई। तो देखिए हमें x1 इस पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट में x1 है उसकी वैल्यू हमें मिल गई वो है 3। अब उसी तरह से देखिए आपको y1 की वैल्यू निकालनी, तो ये जो y का फॉर्मूला दिया है ना, जैसे इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, अब यहाँ क्या है y है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ इस पॉइंट यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ y लिखा है x और y इन पॉइंट के नीचे, तो यहाँ पर y की वैल्यू होगी माइनस 3, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ, माइनस 3, तो जस्ट यहाँ पर y की जगह क्या रखेंगे, माइनस 3 इक्वल टू m, m की वैल्यू क्या है 1, और y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू देखिए यहाँ देखिए इसके ऊपर क्या लिखा 4, तो y2 की वैल्यू हुई 4, तो यहाँ पर m 1 है और y2 की वैल्यू है 4, प्लस n y1, तो n की वैल्यू तो यहाँ पर देखिए 1 है और y1 हमें निकालना है, ये देखिए y1 इसका है, तो यहाँ पर 1 इंटू y1 लिखेंगे आप, 1 इंटू y1 अपॉन, और m प्लस n क्या है हमारा 1 प्लस 1, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 वन जा 4, प्लस ये 1 इंटू वाई वन हमारा क्या हो जाएगा, वाई वन अपॉन वाई वन प्लस वन हमारा 2 हो जाएगा, इसको अपॉन 1 लिख दीजिए, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, माइनस 3 को इससे इंटू कर दीजिए, तो माइनस 3 इंटू 2, फिर ये इक्वल टू है, फिर ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म इतनी ही रहेगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 टू जा 6 इक्वल टू 4 प्लस वाई वन, हमें चाहिए वाई वन की वैल्यू, तो ये प्लस 4 जो है ना इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू वाई वन, ठीक है, ये आ गया हमारा, और वाई वन की वैल्यू क्या हो गई, माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस 10 हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक्स वन की वैल्यू आई 3 और वाई वन की वैल्यू आई है माइनस 10, और हमें क्या निकालना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए, हमें ए का कोऑर्डिनेट निकालना था, ए का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना है एक्स वन और वाई वन, और यहाँ पर एक्स वन की वैल्यू क्या आई है 3 और y1 की वैल्यू आई है माइनस 10, ठीक है, यही कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।